हम बात करेंगे सेकेंडरी मेमोरी या स्टोरेज डिवाइस की। सेकेंडरी मेमोरी या स्टोरेज डिवाइस कहते किसे हैं? वो डिवाइस जिस डिवाइस का प्रयोग डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। हमारे कंप्यूटर सिस्टम में मेमोरी की आवश्यकता पड़ती है। मेमोरी यानी याददाश्त। जब भी हमें फ्यूचर में यानी भविष्य में डेटा को प्राप्त करने की जरूरत होती है, उस समय हम मेमोरी का प्रयोग करते हैं। और हमारे कंप्यूटर में दो प्रकार की मेमोरी होती है, एक प्राइमरी और दूसरी सेकेंडरी। पिछली कक्षाओं में प्राइमरी मेमोरी के बारे में पढ़ाया गया था, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक आप देख सकते हैं, वहां से जाकर के आप वीडियो को फिर से देख सकते हैं। लेकिन आज के क्लास में हम सेकेंडरी मेमोरी की बात कर रहे हैं, या स्टोरेज डिवाइस कहते हैं इसे। आज एक एग्जाम्पल के तहत आप सेकेंडरी मेमोरी या स्टोरेज डिवाइस को, हमारे कंप्यूटर सिस्टम में क्या रोल है स्टोरेज डिवाइस का। तो जिस प्रकार अगर हम मान के चलें कि हमारे पास कुछ डेटाज हैं, इन डेटाज को हम स्टोर करके रखना चाहते हैं। अपने कंप्यूटर सिस्टम में हमें व्यवस्था करनी होगी इस पर्पस के लिए एक स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस में ये डेटा हम प्रोसेसिंग के बाद स्टोर कर देते हैं। ये डेटा हमारा स्टोरेज डिवाइस में स्टोर हो गया। इस तरीके से हमारा डेटा जो स्टोरेज डिवाइस में मौजूद है, उपलब्ध है, उस डेटा को भी एनी टाइम हम प्रयोग में ले सकते हैं। जैसे कि यहां से स्टोरेज डिवाइस से आपने डेटा निकाल लिया, ये डेटा हमारा इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरीके से अब आप आसानी से समझ गए होंगे कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में स्टोरेज डिवाइस का क्या रोल है। आइए तो आगे बढ़ते हैं। स्टोरेज डिवाइस कौन कौन सी प्रयोग की गई हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, उनमें नाम आता है सब डिस्क। स्क्रीन पर आपको चित्र नजर आ रहा होगा, जो कि डिवाइस बहुत पुरानी डिवाइस है। 20वीं शताब्दी की बात करें, 20वीं शताब्दी में प्रयोग की जाती थी हमारी फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क जिसे डिस्केट के नाम से भी पुकारा जाता था, और ये डिस्क इस्तेमाल की जाती थी सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, छोटे छोटे बैकअप्स बनाने के लिए, या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफर करने के लिए। हमारी ये जो डिस्क है, इसके ऊपर प्लास्टिक का कवर है और अंदर हमारी डिस्क होती है। ये फ्लॉपी डिस्क सर्वप्रथम 5.25 इंच साइज में आई, जिसमें डेटा कैपेसिटी 100 KB से लेकर 1.2 MB तक की थी। टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, जो कि करंट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये 3.5 इंच की फ्लॉपी है। दूसरी साइज आई 3.5 इंच यानी 3.5 इंच। इसमें डेटा कैपेसिटी भी बढ़ गई, 400 KB से लेकर 1.44 MB तक का डेटा हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट, स्टोरेज डिवाइस में 20वीं शताब्दी में हार्ड डिस्क या हार्ड ड्राइव। अब ये जो हार्ड डिस्क या हार्ड ड्राइव, ये हमारे फ्लॉपी डिस्क की अपेक्षा, अगर बात करें फ्लॉपी डिस्क की अपेक्षा, 20 गुना तेज कार्य करती है। यानी डेटा को स्टोर करने का काम फ्लॉपी डिस्क से हार्ड डिस्क में जल्दी होता है। हार्ड डिस्क हमारी फिक्स्ड ड्राइव भी कहलाती है। फिक्स ड्राइव कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे कंप्यूटर के सिस्टम यूनिट में, बॉक्स में, ये एक हार्ड डिस्क सभी में लगी होती है, जहां से डेटा हमारा प्राप्त किया जाता है और डाटा हमारा वहीं स्टोर किया जा सकता है। आज के समय में करंट 1 TB तक डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। 10 MB से लेकर 1 TB तक की हार्ड डिस्क हमारे कंप्यूटर सिस्टम में आती है। वर्तमान समय में हम एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी इस्तेमाल करते हैं, जिसकी कैपेसिटी 2 TB तक यानी कि 2 TB तक है। USB हार्ड डिस्क कहते हैं उसे। USB केबल के तहत हम कनेक्ट करके अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तीसरी डिस्क उसे हम कॉम्पैक्ट डिस्क के नाम से जानते हैं। कॉम्पैक्ट डिस्क की कैटेगरी 3 तरीके की होती है। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल एंड कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। तीनों डिस्क की कैपेसिटी जो होती है,
वो सेम होती है एक जैसी ही, 650 से लेकर 700 एमबी तक, और इसकी साइज 120 mm। ऐसे में कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी की बात करें, जिसमें डेटा हमारा सिर्फ पढ़ा जा सकता है, डेटा हम इसमें लिख नहीं सकते, कोई भी डेटा हम इसमें स्टोर नहीं कर सकते, लेकिन इसमें जो डेटा स्टोर होता है वो डेटा को हम पढ़ सकते हैं। इसका प्रयोग ज्यादातर सॉफ्टवेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए किया जाता है। दूसरा आता है हमारा सीडीआर। सीडीआर यानी कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, डेटा हम स्टोर कर सकते हैं परंतु हम डेटा को फिर इरेज नहीं कर सकते, यानी निकाल नहीं सकते। एक हिस्से में जहां डेटा हमारा स्टोर हो गया, रिकॉर्ड हो गया, उस जगह पे वो फिक्स हो जाता है। तीसरी आती है हमारी कॉम्पैक्ट डिस्क की बात, रीराइटेबल, यानी हम डेटा एक बार लिख सकते हैं और फिर पुनः उसे हम वहां से इरेज भी कर सकते हैं। इस तरीके से हमारे कॉम्पैक्ट डिस्क में आने वाली तीनों कैटेगरीज के बाद अब बात यानी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क की साइज 120 mm, कैपेसिटी इसकी अलग होती है, कैपेसिटी 4.7 GB। देखने में हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, इन सभी की बात ना करें तो कॉम्पैक्ट डिस्क की बात करें, कॉम्पैक्ट डिस्क और डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क यानी सीडी एंड डीवीडी बोथ, दोनों की बात करें तो दोनों सेम देखने में लगती है। दोनों की मोटाई, दोनों की साइज सब कुछ सेम होता है, लेकिन कैपेसिटी में डिफरेंस है। कैपेसिटी हमारे डीवीडी की यानी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क की 4.7 GB। इनको चलाने के लिए एक ड्राइवर होता है जो कि हमारे सिस्टम यूनिट में लगा होता है, फिक्स होता है। आती है हमारी सबसे हल्की, एकदम लाइट वेट, यूएसबी फ्लैश ड्राइव या पीडी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, पेन ड्राइव। पेन ड्राइव की कैपेसिटी आज के समय में 512 GB तक पहुंच चुकी है, यानी कि हम 512 GB तक का डेटा आसानी से स्टोर करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जा सकते हैं, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा डाल सकते हैं। इस तरीके से हमारी स्टोरेज डिवाइस का क्लास आज यहीं समाप्त होता है। आगे के क्लासेस के लिए आप जुड़े रहेंगे और इस वीडियो पे कमेंट करें, अपने दोस्तों को भी ये क्लास की वीडियो शेयर कर सकते हैं। यदि आपको पसंद आई तो लाइक करना न भूलें।